नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आ गया हूँ एक इंटरव्यू, और आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के छात्र ऋतिक। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पर। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत ऋतिक इस कार्यक्रम में आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऋतिक जी, आप सबसे पहले तो आपके जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं कि आप कैसे ब्लाइंड हुए, कब से आपको ब्राइटनेस आई, आपको ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन का पता कैसे चला, या बचपन से ब्लाइंड हो, लेट ब्लाइंड है, पहले आप अपना जीवन परिचय बताएं। देखिए, जहाँ तक मुझे याद है कि मैं शुरू से टोटली ब्लाइंड रहा हूँ जी। और जब मैं पहले, मैंने कई जगह अपनी आंखों का इलाज कराया, जैसे नेपाल, भारत, मतलब ऐसी कोई जगह छोड़ी नहीं जहाँ मेरा इलाज ना हुआ हो। जी, जी, तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे रोशनी आएगी, लेकिन तब तक बहुत समय बीत चुका था। हाँ, थोड़ा सा इलाज होने से थोड़ी सी आईज खुली थी। जी। तो मतलब अभी आप बिल्कुल टोटली ब्लाइंड हो? जी, मैं बिल्कुल टोटली ब्लाइंड। अच्छा, तो मतलब ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन का आपको पता कहीं चला फिर? एक श्यामलाल कॉलेज के प्रोफेसर थे जिनका नाम अजीत कुमार था, और उन्होंने ही मेरे को, मेरे पापा दिल्ली में जॉब करते थे, तो उन्होंने, उनसे एक बार मुलाकात हो गई, तो उन्होंने बता दिया था स्कूल का पता, और उन्होंने ही मेरा एडमिशन कराया था। तो उन्होंने ही आपका एडमिशन कराया था। तो आपने मतलब कहाँ तक पढ़ाई करी है, अभी कौन सी क्लास में आप हैं? जी, मैंने नर्सरी से लेकर 12th क्लास में अभी पढ़ रहा हूँ ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में। अच्छा ऋतिक जी, हर के जीवन में कोई ना कोई होता है, कोई दोस्त, या आपके भी जीवन में कोई ऐसा, कोई आपका गुरु या फेवरेट गुरु या कोई फ्रेंड रहा हो जो आपको हर सही गलत के मार्ग पे मार्ग आपको दिखाता हो, या कहाँ कुछ क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो हर चीज आपको सिखाता हो, कोई ऐसा कोई गुरु कोई दोस्त है आपका? जी देखिए, मार्ग तो मतलब मार्ग तो बहुत लोगों ने सिखाया, जैसे जैसे मैं किसी खेल में गया तो खेल में भी, जैसे मैंने जूडो के 3-4 नेशनल खेले। अच्छा। तो 3-4 नेशनल खेले, तो उसका मार्ग मेरे को मेरे जूडो कोच ने सिखाया, जिनका नाम महबूब आलम था, और उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। और बाकी मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंटरनेशनल खेलूं किसी न किसी गेम में। तो मतलब जूडो में आपने इंटरनेशनल खेला, तो मतलब ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन उन्हीं की तरफ से गए थे कि आप अपनी तरफ से गए थे? जी, मैंने नेशनल खेला है, सॉरी। तो मैं मतलब स्कूल की ही तरफ से गया था, और बाकी रास्ता दिखाने के बाद जो आपने करी पहले, वो उसके लिए तो मैं अपने माता पिता का आभार। अच्छा, तो मतलब ऋतिक जी, आपका वहाँ पर कोई प्राइज भी आया है? जी, एक नेशनल में आया था मेरा गोल्ड मेडल, और एक में ब्रॉन्ज मेडल, 4 नेशनल खेल चुका हूँ जिसमें से 2 में मेडल है। तो आपने जूडो जैसे खेला है, तो आप मुझे फिर ये बताइए कि जूडो जब हम लड़ते हैं तो हमें किन किन चीजों का सावधानी रखना चाहिए, मतलब हमें किन किन चीजों का सावधानी करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन क्या होते हैं? देखिए, उसके रूल रेगुलेशन ये होते हैं कि फाइट के दौरान किसी को किसी तरीके की हानि नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे फाइट करना है तो उसमें केवल गिराना ही पड़ता है, और गिरा के दबा के रखना पड़ता है, और ये नहीं कि आपने मुक्का मार दिया या थप्पड़ मार दिया या लात मार दी मुंह पे, तो ये नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब हम किसी भी खेल को खेले तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला क्या गलती कर रहा है। जी जी जी। और उसी की गलती को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी खेल खेलना चाहिए, और हमें शुरू से ही अटैक नहीं करना चाहिए, पहले डिफेंसिव खेलना चाहिए उस खिलाड़ी को परखने के लिए। जी जी। तो ऋतिक जी, कोई आपका ऐसा कोई सपना है जो उसको आप पूरा करना चाहते हो, या कोई अपने क्या सोच रहा था, क्या आपका सपना है कि आप आगे चल के पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं? देखिए, पढ़ लिख के तो मैं टीचर
खेलना चाहता हूँ, और बाकी मेरा एक सपना है कि मुझे किसी न किसी खेल में इंटरनेशनल खेलना है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए खेलना है। तो आप मतलब किस चीज का टीचर बनना चाहते हैं आप? मैं हिंदी का। हिंदी तो आपको मतलब ठीक है, ब्रांड एजुकेशन से आपने बताया कि मैं 12वीं क्लास में हूँ और मैंने जूनियर का नेशनल खेला है, और आप क्या कर सकते हैं मतलब, और आपने वहाँ से क्या क्या सीखा है? मैंने वहाँ से चेस खेलना सीखा है, मतलब जी वहाँ मेरा ज्यादातर स्कूल में एक तो पढ़ाई पे ध्यान रहा है और एक खेल पे ध्यान रहा है। अच्छा। जैसे कबड्डी, क्रिकेट, जूडो, चेस, फुटबॉल। जी तो मतलब आप बाहर मतलब नेशनल आपने क्या क्या खेला है? तो जूडो हो गया, और मैंने कबड्डी खेला है इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। अच्छा, तुम कबड्डी में भी आपका कोई प्राइज वगैरह आया था? जी कबड्डी में तो नहीं आया था, क्योंकि कबड्डी में हाँ आया था हमारा थर्ड प्राइज, तो ब्रॉन्ज मेडल आया था उसमें भी जी। और सेमीफाइनल मैच हम लोग हार गए थे, तो 2020 के बीच में हमने कबड्डी खेला था। अच्छा, तो रजीव जी एक चीज और कि ब्लैंड मतलब राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप उन ब्लाइंडों को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि जो सोच के बैठ जाते हैं कि हम ब्लाइंड हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते? जी मैं उनको यही सब संकेत देना चाहता हूँ कि आपको कभी भी मुश्किल हार तो लाइफ में आएंगी, तो आपको किसी भी उससे हारना नहीं चाहिए। जैसे आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ब्लाइंड है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपको आपको उसी को मतलब ये सोच लेना चाहिए कि जैसे हमारे सामने पहाड़ है और हमें चढ़ना ही चढ़ना है उसके। जी तो जी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो प्रतीक जी अभी जैसे घर में हैं आप, कोविड का टाइम है, स्कूल कॉलेज बंद है, तो अभी आपको घर में कैसा लग रहा है? जी घर में कैसा लग रहा है ये तो मतलब थोड़ा सा जैसा मतलब पहले लाइफ थी, तो कोविड ने सबकी लाइफ बदल कर रख दी। एक साल सबको घर पे बैठा के रखा, इससे बहुत सारी चीजें लॉस हुई, पढ़ाई लॉस हुई, और किसी ने कुछ पाया तो किसी ने कुछ खोया, तो उसी तरीके से लाइफ है। तो अच्छा, तो अभी आपका मन जैसा सबसे ज्यादा कहाँ लगता है, घर में हॉस्टल में? जी वैसे तो हॉस्टल में रहे तो हॉस्टल में लगेगा ज्यादातर तो। अच्छा, तो मतलब आप कब से अपने ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में ज्वाइन किया, कौन से सन से? तब आप सन 2007 या 8 में किया था मैंने। मैं था 5 ईयर्स ओल्ड। तो तब आपका मन लगता था वहाँ पर? कितने साल आप कभी ऐसा होता है कि यार हम पहली पहली बार आते हमारा मन नहीं लगा, क्या आपके साथ भी? जी कुछ दिनों तक तो नहीं लगा था, क्योंकि अपने घर को छोड़ के जब कोई कहीं जाता तो मन नहीं लगता शुरू में, तो शुरू के कुछ डेज नहीं लगा। जी तो ऋतिक जी आप मतलब जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक बार फिर से बताइए आप मेरा सवाल। मतलब जाते हम आप जाते जाते हमारे जो यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स हैं, जो जो आपका संदेश सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं लास्ट में? उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी सिचुएशन से हमें हारना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक जी आपका इस इंटरव्यू जुड़ने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बगल में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।